हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। बहुत से सब्सक्राइबरों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आपने जो अपनी केक शॉप खोली है, कृपया करके उसे दिखाएं। तो आज हम उस चीज के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो एक लुक मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन से बोलूँगा कि वो सारी केक शॉप को आपको एक बार दिखाएं कि किस तरीके से हमने सेटअप किया है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या कॉस्ट होती है अगर आपको एक केक शॉप सेटअप करनी है। तो पीछे भी दिखा देते हैं हम पार्टीशन के, ये हमने पार्टीशन किया हुआ है और ये हमारे यहाँ ओवन का सेटअप लगा हुआ है। हमारा माइक्रो ओवन है या इसे आप कन्वेक्शन ओवन भी बोल सकते हैं। इसमें हम अपना चॉकलेट वगैरह मेल्ट करते हैं। ये इंडक्शन है हमारी, ये हमारा इंडक्शन है, ठीक है। ये एसी वगैरह का मीटर है, ये एसी हमारा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे हमने अपनी चॉकलेट वगैरह सब रखे हैं। और ये हमारे केक बॉक्सेस हैं, सारे केक बॉक्स हैं, चॉकलेट बॉक्सेस हैं। तो देखिए आपने, और ये हमारा पार्टीशन, और मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा दिखा दे, ठीक है, आगे से कितना सुंदर है और पीछे से आपको असली पता चल जाएगी। तो ये हमने खुद बनाया है जुगाड़ करके, इसमें अच्छी तरह से थर्माकोल शीट वगैरह लगा के हमने इसको भर दिया है ताकि आगे से फ्रंट फेस हमें चाहिए था वो हमारे को मिल चुका है। और ये शटर भी हमने आधा खोल के रखा है, आधा बंद कर दिया है ताकि जो एसी की हीटिंग वगैरह है या ओवन की हीटिंग है वो यहाँ से एग्जॉस्ट के साथ निकल जाए और बाहर से कोई भी अनवांटेड चीज या कोई भी रोडेंट वगैरह यहाँ अंदर ना आए। अगर अपना काम शुरू करना है तो हमें लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपको सही आइडिया है तो आपका 10,000 में भी काम शुरू हो सकता है। वो मैं बताता हूँ कैसे। जब आप केक शॉप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेकरी को नहीं लेंगे जिसमें हम ब्रेड वगैरह, क्योंकि वो बल्क का काम हो जाता है। हम यहाँ सिर्फ केक शॉप की बात करेंगे। तो केक शॉप जब आप सेटअप करते हैं आपको बेसिक चीज़ चाहिए, एक ओवन चाहिए या एक बोल सकते हैं प्लेनेटरी मिक्सर जिसमें आप व्हिप क्रीम अपनी व्हिप करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बल्क में ही बनाना है या आपको बड़ा ही ओवन चाहिए। ये देखिए, ये हमारे घर के OTG हैं, इसी में हम अपने स्पॉन्ज बेक करते हैं। एक की कॉस्ट ज़्यादा 4,000 रुपये होती है तो हम इसी में अपने स्पॉन्ज लगा लेते हैं। तो 4,000 रुपये में ये हो गया। दूसरा हो गया ये भी हमारी हैंड मिक्सर। तो आपको बड़ी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4,000 रुपये का ये और 2,000 रुपये की ये मशीन, सिर्फ 6,000 रुपये। और उसके बाद आपके पास जो घर का फ्रिज है आप उसमें आप केक बनाए और उसमें रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़े बहुत इक्विपमेंट लगा के 10,000 रुपये में आप घर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे केक का काम थोड़े बड़े लेवल पे करना है जैसे हम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको ये अपनी जैसे पेस्ट्री दिखाई है, अपनी केक शॉप दिखाई है। हमने इसमें दो पार्टीशन किए हुए हैं, इधर हम केक बनाते हैं, फाइनल करते हैं और उधर हम बेकिंग करते हैं। वो और सेक्शन हमारा, ये हमारा होल्ड सेक्शन है। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ली है, मार्बल टेबल ही आप लगाएं अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिनिशिंग आए और साफ सफाई भी रहे। साथ में थोड़े से इक्विपमेंट हमारे टूल बॉक्स में हमने रखे हैं। ये सारा जितना आप सेटअप देख रहे हैं ये खुद हमने किया है। ये हमने ये जो ये कबर्ड अलमारी बनाई है ये भी हमने खुद बनाई है। ये फॉल सीलिंग भी हमने खुद की है और ये जो लकड़ी का पार्टीशन है ये भी हमने खुद किया है। ये हमारे दो फ्रिज हैं, हमने इनको इस तरीके से लगाया है ताकि इनका जो बैक साइड वाला पोर्शन है जिसमें से हीटिंग होती है वो उस साइड चला जाए और जो हीटिंग है वो पीछे की साइड रहे। यहाँ पे हमने अपना AC लगा रखा है। तो कुल मिला के हमारा जो इनिशियल सेटअप में कॉस्ट आया था वो आया था तकरीबन 20,000 रुपये। ये पार्टीशन का 5,000 रुपये लग गया था हमारा और 4,000 रुपये हमने फॉल सीलिंग। पानी का कनेक्शन भी हमने कह सकते हैं जुगाड़ से ही कर रखा है। हमने 25 लीटर का टैंक लगा दिया पानी का। यहाँ पर हम अपने छोटे वगैरह जो स्पॉन्ज मारते हैं, उनके मोल्ड होते हैं, अपने टूल्स होते हैं, नाइफ वगैरह, ये वॉश कर लेते हैं और पानी हम शाम को फेंक देते हैं। और ये हमारा सारा सामान है। तो एक स्टार्टअप करने के लिए, जिसे मैं कह रहा हूँ बेसिक करने के लिए, अगर आपको सिर्फ केक्स बनाने हैं तो आप 10,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो हमारी तरह भी आप सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं होती कि आपको केक शॉप स्टार्ट करने हैं, आप पहले तो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ओवन लेके आना है, कौन सी कंपनी का ले। मैंने आपको दिखा दिया कि 4,000 रुपये के OTG में भी आप केक अच्छे से बना सकते हैं और 2,000 रुपये के आपको ये हैंड मिक्सर लगेगा। तो 6,000 रुपये का ये और 4,000 रुपये के आपके टूल, बस 10,000 रुपये। और थोड़ा बड़े लेवल पे करेंगे जो हमने किया है तो कम से कम 20,000 रुपये आपके लग जाएंगे जिसमें आपकी एक अच्छी केक शॉप स्टार्ट हो सकती है।
तो थोड़ा सा सामान मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा देखिए केक स्टैंड है, एकदम हैवी वाला प्लास्टिक का। ये हमारा सारा सामान है जो हम केक में यूज करते हैं। यहाँ कलर्ड वर्म मिसली वगैरह हमने रखी हुई है, इसमें जैम्स, कलर्ड बॉल, ये सारे हमारे कलर्स हैं, ये हमने रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बर्थडे का सामान है, बैलून्स वगैरह, कैप्स वगैरह। आप भी एज इट इज कर सकते हैं या अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये आपको एक आइडिया दे देगी कि आप कम बजट में भी ऐसे इस टाइम में जब आपकी पॉकेट अलाउड नहीं करती है ज़्यादा पैसा, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, किसी के जॉब नहीं है, केक का काम आता है लेकिन वो हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं अपना केक का काम, खुद शुरू करना चाहते हैं। कुछ लेडीज़ होती हैं जो घर में रहती हैं और वो चाहती हैं कि हम सेटअप करें लेकिन उन्हें समझ नहीं है स्टार्टिंग में हम कैसे इन्वेस्ट करें, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। ये हमने सारा सामान यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप साफ सफाई भी देख सकते हैं, एकदम साफ सुथरी हमारी केक शॉप है। तभी जब आप साफ सुथरा सामान देंगे तभी आप भी पैसा अर्न कर पाएंगे। जैसे लोकल बेकरीज होती है उसमें देख आपको पता ही किस तरीके से काम होता है, और एक प्रोफेशनल जब काम करता है उसका काम करने का तरीका, ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना और आप आराम से बैठ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे मेरा सजेशन या हमारी केक शॉप तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने वैल्यूबल फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।